हे गाइस, स्वागत है आपका एकेबी गैलेक्सी चैनल में, जहां मैंने कुछ दिन पहले एक पोल डाला था एंड मैंने वहां पूछा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। एंड आप में से ज्यादातर लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया था, व्हाई टोनी नॉट लिफ्टेड थॉर्स हैमर इन एवेंजर्स एंड गेम। सो गाइस, मैं हूं आयुष और आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों टोनी ने हैमर नहीं उठाया था एवेंजर्स एंड गेम में, क्या वो वर्दी था या नहीं था, जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा थॉर 1 मूवी में, जहाँ ओडिन थॉर को अनवर्दी कर देते हैं एंड थॉर के हैमर पे एक एंचेंटमेंट करते हैं। जो कोई भी इस हथौड़े को पकड़ेगा, अगर वो इस योग्य है तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी। एंड हम देखते भी हैं कि थॉर हैमर को उठाने की बहुत कोशिश भी करता है, बट वो उस टाइम हैमर को नहीं उठा पाता क्योंकि थॉर उस टाइम पे थोड़ा घमंडी होता है। बट गाइज, एंड में हम देखते हैं कि थॉर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है एंड हैमर उसकी वर्दीनेस को सेंस कर लेता है एंड थॉर के पास उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं, क्योंकि थॉर ने हैमर को उठाने की पहले भी कोशिश की हुई थी। अब आप सभी ये बोलेंगे कि टोनी ने भी तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में हैमर को उठाने की कोशिश की थी। बट गाइस, एवेंजर्स एंड गेम में जब थॉर टाइम ट्रेवल करके एसगार्ड जाता है तो वो 2013 वाली टाइमलाइन से हैमर लाया था एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन की टाइमलाइन 2015 थी। एंड जब टोनी एवेंजर्स एंड गेम में स्नैप करता है तो वो हैमर के लिए तो वर्दी हो ही गया था, बट टोनी ने हैमर को उठाने की कोशिश नहीं की थी। एंड गाइस, यही एक रीज़न हो सकता है कि हैमर टोनी की वर्थीनेस को सेंस नहीं कर पाया था एवेंजर्स एंड गेम में, इसलिए टोनी हील नहीं कर पाया था लाइक थॉर ने किया था थॉर 1 मूवी में। बट गाइस, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, जहां टोनी स्नैप तो करता ही थॉर अपना हैमर टोनी के हाथ में दे देता एंड टोनी भी हील कर लेता लाइक थॉर ने किया था थॉर 1 मूवी में। सो गाइज, ये तो था मेरा आंसर एंड आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।